इंडिया और कनाडा में चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा सच सामने आया है। दरअसल ट्रूडो की राजनीति उन्हीं पर भारी पड़ती जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा ऐसे समय में उठाया है जब उन्हें देश में महंगाई, हाउसिंग और जीवन की लागत पर घेरा जा रहा है। पोल्स में वो अपने विपक्षी से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और एक वक्त युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय ट्रूडो अपनी लोकप्रियता तेजी से खो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो कनाडा में बहुत ही अलोकप्रिय हो चुके हैं। जुलाई 2022 के एक सर्वे में ज्यादातर कैनेडियन लोगों ने कहा था कि वो पिछले 55 सालों के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि किस तरह ट्रूडो अपने देश में बतौर राजनेता अपनी लोकप्रियता लगातार खो रहे हैं। आज वो इतने अलोकप्रिय हैं कि अगर अभी चुनाव हो तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक खो देंगे। आखिर क्यों इतने अलोकप्रिय हो गए हैं ट्रूडो, आज यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कनाडा में हुए एक सर्वे में लोगों ने बतौर ट्रूडो के बजाय उनके प्रतिद्वंदी पेरी पोलिवेरी को तरजीह दी है। इसमें सरकार बनाने के लिए लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्ष के नेता पेरी को 40% वोट दिए हैं, जबकि ट्रूडो को महज 31% वोट मिले हैं। 60% लोगों ने यह भी माना है कि ट्रूडो की पार्टी को अगले चुनाव में किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाना चाहिए। ट्रूडो के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पिछले एक साल में पेरी की लोकप्रियता 5 पॉइंट बढ़ गई है। कनाडा में बढ़ी महंगाई फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है। इकोनॉमी, हेल्थ केयर और घर से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों का मानना है कि पोलिवेरी के पास तीनों सेक्टर में सबसे अच्छी योजनाएं हैं। सर्वे कराने वाली कंपनी इप्सोस के सीईओ डेरिल का कहना है कि इसे संकेत मिलता है कि कनाडा के लोग सरकार की दिशा को लेकर हताश हैं। खासतौर से आर्थिक मसले चिंता का विषय है। साल 2015 में महज 44 साल की उम्र में पीएम की कुर्सी संभालने वाले ट्रूडो के लिए ये शायद सबसे मुश्किल समय है। ट्रूडो अचानक अलोकप्रिय नहीं हुए। अपने पहले कार्यकाल से लेकर अब तक वो जाने अनजाने विवादों में आ ही जाते हैं, जिससे उनकी इमेज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। साल 2015 में पीएम की कुर्सी संभालने के एक साल बाद ही अरबपति आगा खान के एक प्राइवेट द्वीप पर छुट्टियां मनाना उनके लिए भारी पड़ गया था। देश के एथिक्स कमिश्नर ने इसे नियमों का उल्लंघन माना था। ट्रूडो ने ये वादा किया था कि वो छुट्टियों के लिए वॉच डॉग से मंजूरी लिया करेंगे। पिछले साल कोरोना काल के दौरान अगस्त के महीने में कोस्टारिका में परिवार संग मनाई गई छुट्टी को लेकर भी वो लोगों के गुस्से का शिकार बने। उन्हें टीवी कोस्टारिका में एक बड़े प्राइवेट जेट से बिना मास्क पहने ही उतरते देखा गया। उस वक्त ट्रैवल के लिए कनाडा में सख्त कोविड गाइडलाइंस थी, जिनके मुताबिक मास्क सिर्फ खाने पीने के दौरान ही उतारा जा सकता है। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कनाडा में लोगों के लिए अलग नियम हैं और पीएम के लिए अलग। इस वजह से भी उनकी इमेज पर काफी नुकसान पड़ा था। आपको बता दें कि ट्रूडो की बायोग्राफी साल 2019 में सामने आई थी। द एजुकेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर के लेखक जॉन इवेंस कहते हैं, कनाडा में ट्रूडो पोलराइजिंग फिगर की तरह सामने आए हैं। वो बच्चों और यंग वोटर्स में पॉपुलर हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि ट्रूडो अपनी उपलब्धियों की वजह से नहीं बल्कि अपने नाम की वजह से यहाँ तक पहुंचे। इवेंस आगे लिखते हैं कि ट्रूडो ने अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म को आगे बढ़ाया है, जो उनके आने से पहले कनाडा की राजनीति में साफ तरह से नहीं दिखता था। कनाडा में आर्थिक हालात अभी बिल्कुल अच्छे नहीं है। ऐसे में अलगाववादियों को लेकर ट्रूडो की नरम नीति अब उन्हें पूरी तरह से खुलेआम समर्थन देने में तब्दील हो गई है। पिछले चुनाव यानी 2021 में ट्रूडो की सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उनकी सरकार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से ही चल रही है। वो कनाडा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि पार्टी के नेता जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक रैलियों में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में अपने घरेलू चुनौतियों से घिरे हुए ट्रूडो अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि यही वजह है कि अपनी गिरती लोकप्रियता और घरेलू मोर्चों की चुनौतियों के मद्देनजर राजनेता कई बार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का मुद्दा उठाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।